साहिल, आप ये कह रहे हैं कि क्या जब आप जनता से ये कहते हैं कि आप मुझे देसी गाय का घी दीजिए, गाय का देसी घी ना दीजिए, तो आपको यकीन है कि ये बात जिस भावना से आप कह रहे हैं ये बात जनता तक पहुंच रही है और जनता देसी गाय का घी ढूंढ करके आपको दे रही है, या वही लोग आपको घी देंगे जिनके पास देसी गाय है? अगर देसी गाय नहीं है तो आपको वो घी नहीं स्वीकार्य है? देखिए आशुतोष जी, परिवर्तन मैंने आपको पहले भी कहा कि एक बार में नहीं आएगा। हम बार बार उन बातों पे चोट मारेंगे, हम बार बार उन विचारों को उठाएंगे, हम बार बार हर एक ऐसे मुद्दे को उठाएंगे जिससे जनता के अंदर जागरूकता बढ़े। मैं मानता हूं कि पहली बार के अंदर हमारे देश की आम जनता को ये बातें नहीं समझ में आ रही होंगी, लेकिन क्या वो आज आपका चैनल देखने के बाद, क्या वो वीडियो देखने के बाद, क्या वो सोचने पे मजबूर नहीं हो जाएंगे कि गाय के देसी घी और देसी गाय के घी में अंतर क्या है? तो वो विचारों की क्रांति जो है वो बदस्तूर चल रही है और वो पहुंचेगी। मैं मानता हूं कि सब लोग जो देंगे देसी घी वो जरूर प्योर नहीं होगा, हर एक घी की चम्मच जो है वो देसी गाय के घी की नहीं होगी, लेकिन परिवर्तन आएगा और हमें पूरा विश्वास है कि हम परिवर्तन लाके रहेंगे। जितना हमारे लिए संभव है हम अपनी जिंदगी में बेशक करते रहेंगे। रॉकेट साहिल, जिस दौर में भगत सिंह थे उस वक्त एक इंपीरियल स्टेट उनको दिखाई पड़ता था अंग्रेजी हुकूमत के रूप में, और दुनिया के बहुत सारे हिस्से पर उनका कब्जा था। आज उस रूप में अंग्रेज और अंग्रेज महारानी, महाराजा और अंग्रेज की ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश पार्लियामेंट उस तरह से कब्जा नहीं जमाए, लेकिन बैकडोर से आप ठीक कह रहे हैं कि कमोबेश वही स्थिति है। आज एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बना हुआ है और वन वर्ल्ड की फिलॉसफी चल रही है। वन वर्ल्ड की फिलॉसफी चल रही है, वन करेंसी की फिलॉसफी चल रही है, वन गवर्नेंस की फिलॉसफी चल रही है, वन हेल्थ पॉलिसीज की फिलॉसफी चल रही है, और ये जो नैरेटिव है बहुत फाइन ट्यून करके, इस बार कोई राजा नहीं है, इस बार राजा के प्यादे हैं जिसका वेश बदला हुआ है। तो हमारे देश की जो आबादी, अभी 28 वर्ष की जो आबादी है वो तकरीबन 70% की आसपास है, एकदम से युवा भारत है, और उस प्रकार से अगर आप कहें तो हर घर में एक भगत सिंह है। तो क्या आज के भगत सिंह को आप ये समझाने में कामयाब होंगे कि देखो भाई, इंपीरियल स्टेट आज दूसरे रूप में आपके सामने है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के रूप में आपके सामने है, WHO के रूप में आपके सामने है, और स्वयं UNO के रूप में आपके सामने है? जी, आप ये देखिए कि इस समय पे छोटे छोटे बच्चे लुढ़क रहे हैं डेली। हमारे देश का युवा जो आप कह रहे हैं 70% भारत जो है इस समय पे युवा है, उस युवा का हुआ क्या है? रात दिन वो लोग क्यों लुढ़कने लग गए? क्या हुआ ऐसा पिछले 2 साल के अंदर जिसकी वजह से आज हर एक घर के अंदर हार्ट अटैक, सडन डेथ, ये बातें पहुंच रही हैं? और हमारे देश का युवा इतना मूर्ख नहीं है, उनको सब समझ में आ रहा है कि ये जो वैश्विक सत्ताएं हैं जिनका एक नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WHO, यूनाइटेड नेशन, ये लोग क्या कर रहे हैं? आशुतोष जी एक चीज देखिए, जब से हमने मुहिम शुरू की है, भाई मुझे नहीं पता ये एजेंडा इनका खैर पहले से चल रहा है, लेकिन जब से हमने मुहिम शुरू की है तब से एक वही कथा कथित, वो एक B-Mari का खेल दोबारा शुरू हो गया है। अभी हम नाम नहीं लेंगे लेकिन फिर से वही चीजें शुरू हो रही हैं। तो जब भी देश के अंदर किसी प्रकार की क्रांति होनी शुरू होती है, जब भी देश के अंदर युवा इकट्ठा होना शुरू होता है,
तो कोई ना कोई बीमारी आ जाती है भाई। ये बीमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की है या सत्ता में बैठे कुछ ऐसे लोगों की है जिनको लगता है कि उनके भेद अब खुल चुके हैं, उन ऐसे लोगों की जिनके बारे में पता लग चुका है आम जनता को ये कहीं बाहर से कंट्रोल हो रहे हैं, उन विदेशी सत्ताओं की, उनका जो पूरा खेल है वो नई वैश्विक व्यवस्था का वो खुल चुका है। इसीलिए एक के बाद एक कुछ ना कुछ वायरस के नाम पे, या फिर कहें तो अभी नया चल रहा है क्लाइमेट के नाम पे। देखिए ये कितना गंभीर विषय है और आपकी ज्योति जलाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये लोग आपको क्लाइमेट के नाम पे आपके तंदूर बैन कर रहे हैं, आपके चूल्हे बैन कर रहे हैं, जिस हर एक चीज से आप आत्मनिर्भर रह सकते हैं उन हर चीज को बैन करके और आपको एलपीजी गैस पर निर्भर बनाया जा रहा है। और वही एलपीजी गैस जो 300 रुपए से उठकर 1200 रुपए पहुंच चुकी है, क्योंकि सारा खेल चाहे वो एलपीजी गैस का हो या पेट्रोलियम का हो वो तो विदेशी सत्ताओं से चलता है। तो अगर आपको इन वैश्विक सत्ताओं को, विदेशी सत्ताओं को अगर आपने खिलाना है तो आपको आत्मनिर्भर बनना होगा, और अगर आपको आत्मनिर्भर बनना है तो आपको अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना होगा, आपको अपने हर एक उस चीज को इस्तेमाल करना होगा, जैसे कि ज्योति जलाना, हवन करना, तंदूरों का इस्तेमाल करना या चूल्हे का इस्तेमाल करना। जिस प्रकार से ये क्लाइमेट का लॉकडाउन की तरफ जो सरकारें बढ़ रही हैं उसका एक ठीक ठीक इलाज आपको मिलकर करना होगा, और आपका अपना जनता सरकार मोर्चा इसी चीज में लगा हुआ है।